तो फ्रेंड्स, यूरिन इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको डॉक्टर से जाकर मिलना जरूरी है। टेस्ट वगैरह करेंगे, यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, फिर उसके बाद में एंटीबायोटिक्स पे जो है वो डॉक्टर रखते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ही होती है जिसकी वजह से जो यूरिन इन्फेक्शन होता है वो एक तो कंट्रोल में आएगा, फिर उसके बाद में खत्म होगा। उसको पानी जो है, फ्लूइड्स का इनटेक जो है वो बहुत सारा लेना चाहिए, जिससे कि और जब वो यूरिन ज़्यादा बनेगा तो फिर बॉडी के अंदर से गंदगी जब एक्सपेल आउट होती है तो साथ साथ में बैक्टीरिया भी जो है वो भी बाहर वॉश आउट हो जाता है। क्रैनबेरी जूस यूटीआई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्रैनबेरी जूस भी रिकमेंड करते हैं। प्रॉपर हाइजीन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी वॉशरूम वगैरह होकर आए, यूरिन पास करके आए, तो फिर उसके बाद में अपना जो वजाइनल एरिया है उसको फॉरवर्ड टू बैकवर्ड क्लीन करें, ना कि बैकवर्ड टू फॉरवर्ड क्लीन करें। हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। वैसे तो कॉमन टॉयलेट्स को अवॉइड करें, अगर कॉमन टॉयलेट्स को अगर आप यूज़ करें तो पी सेफ जैसी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं।